बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले से है, जहां फर्रुखाबाद शहर के एक विद्यालय में इफ्तार पार्टी मनाने के लिए मुस्लिम लिबास पहनकर स्कूल बच्चों को पहुंचने की सूचना जारी की गई थी। इसका अभिभावकों सहित हिंदूवादी संगठनों के पदाधिकारियों ने जमकर विरोध किया है। विरोध पर पहुंची पुलिस और खुफिया विभाग की टीम ने विद्यालय प्रबंधन से इसकी जानकारी की और प्रबंधन ने पूरे कार्यक्रम को निरस्त कर दिया है। गुरुवार को शहर के रेलवे रोड स्थित मॉडर्न पब्लिक स्कूल में रमजान माह के अंतिम शुक्रवार पर रमजान पार्टी का आयोजन प्रस्तावित किया गया था। इसके लिए संबंधित शिक्षिका ने विद्यालय के ग्रुप पर एक ऑडियो मैसेज डालकर बच्चों को सफ़ेद कुर्ता पायजामा टोपी लगाने और छात्राओं को घाघरा सरारा और हिजाब पहनकर आने की बात कही थी। ड्रेस कोड में टोपी न होने पर सिर पर सफ़ेद रुमाल बांधने के निर्देश दिए गए थे। स्कूल की ओर से जारी संदेश का कुछ अभिभावकों ने विरोध भी किया था। हिंदू महासभा के युवा प्रदेश अध्यक्ष विमलेश मिश्रा ने इस पर कड़ी आपत्ति जताई है और कहा है कि जिले को केरल नहीं बनने दिया जाएगा। पूरे मामले की जानकारी मिलने पर शहर कोतवाल जेपी शर्मा ने हिंदूवादी नेताओं से बातचीत की। उन्होंने बताया कि स्कूल प्रबंधन से बातचीत कर कार्यक्रम निरस्त कर दिया गया है। आइए अब आगे आपको सुनाते हैं कि आखिर मॉडर्न पब्लिक स्कूल की ओर से जो संदेश जारी किया गया था, आखिर उस संदेश में क्या कुछ था। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी टीवी न्यूज। गुड आफ्टरनून एवरीवन। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कल हमारे मॉडर्न पब्लिक स्कूल में रमज़ान पार्टी है, जिसके लिए गर्ल्स को शरारा सूट में आना है। बाई चांस जिसके पास अगर शरारा सूट नहीं है तो वो कुर्ती प्लाजो विद दुपट्टे के साथ आ सकते हैं और सबको सर से हिजाब करके आना है। और जो हिजाब नहीं कर पाते हैं गर्ल्स, तो कोई बात नहीं, वो सर से दुपट्टा वेयर कर सकते हैं। कल आपको बिल्कुल ईद लुक में आना, ओके। एंड बॉयज़ को कुर्ता पैजामा विद टोपी, अगर जिसके पास टोपी नहीं है तो वो सर पे वाइट कलर के, सबके पास हैंकी रुमाल होते हैं तो वो आप वेयर कर सकते हैं, ओके। और मैं इसके लिए लुक के लिए मैं आपको फोटोज़ भी सेंड कर दूंगी, तो आपको उससे हिंट मिल जाएगी, ओके। एंड थैंक यू।